हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल हंक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको पाइथन के बारे में बताऊंगा। पहले पाइथन क्या होता है वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद पाइथन को ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कैसे यूज़ करें, उसमें कोड कैसे करें, उसको रन कैसे करें वो बताया जाएगा। तो व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज़ की सेंसिटिव लैंग्वेज। की सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब, जैसे आप जैसे मैं पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर पर गया और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू a प्लस बी, देन नाउ प्रिंट करेंगे हम लोग c, तो ये प्रिंट नहीं होगा। देखिए एरर बता देगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो कैपिटल है आपको यहाँ कहीं भी कैपिटल ही नहीं दिख रहा। की सेंसिटिव मतलब जो आप वेरिएबल डालेंगे वही आपको डालना पड़ेगा हर जगह, वो लेटर कैपिटल या स्मॉल है। अगर आप स्मॉल लेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्मॉल लेटर ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ स्मॉल लेटर डालूँगा एक, नाउ देखिए ये प्रिंट हो गया 4+4 8, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं, वी कैन डू कोडिंग इन पाइथन इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। यस, ऑफलाइन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं आइडियली। आइडियली का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। उसको मैं आगे बताऊँगा कैसे आप लोग ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन इसलिए यूज़ करते हैं पाइथन को क्योंकि उस टाइम हम लोग रन भी कर सकते हैं, कोड डालते समय वो इजी होता है और आपको पता भी चल जाएगा हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं। तो आइडियली ऑफलाइन प्लेटफॉर्म होता है आइडियली। स्टेप जो है मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टेप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप स्टेप देखकर या आप ये इस पीडीएफ को जो डिस्क्रिप्शन में है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये मैं क्लिक किया, ये डायरेक्ट वेबसाइट पर पाइथन का मेन जो वेबसाइट है वहाँ खुल जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पर बताते हैं कैसे डाउनलोड किया जाएगा। तो मैं न्यू टैब खोल लिया और मैं यहाँ लिख दिया python.org। तो जैसे मैं python.org खोला, ये मेन वेबसाइट खोल गया, नहीं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा python, बस आपको यहाँ python लिख दे उसके बाद इंटर मार दे। ये जो मेन वेबसाइट है आपको इस पर जाना होगा और सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक कर दे। और सिंपली यहाँ पाइथन 3.11.4 ये वर्ज़न है जो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है। जैसे मैं यहाँ अगर क्लिक किया तो देखिए यहाँ चला गया। तो मैं डाउनलोड खोल लेता हूँ, तो देखिए ये डाउनलोड होने लगा। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं अभी डाउनलोड इसको नहीं कर सकता, मैं यहाँ रोक दिया। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था क्या आप आइडियली से भी यूज़ कर सकते हैं पाइथन का। तो जैसे मैं मेरी कंप्यूटर में ऑलरेडी आइडियली डाउनलोड है। आइडियली का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आइडियली खोला, अगर यहाँ आपको कोड करना है तो यहाँ पर आपको पहले फाइल में जाना होगा, फिर यहाँ न्यू करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ कोड लिखना पड़ेगा ए। जैसे मैं यहाँ कोड लिख रहा हूँ, दो नंबर को ऐड करूँगा, जैसे यहाँ मैं ऐड किया हूँ। ये सब आपको आगे बताया जाएगा ये सब क्या है। प्रिंट सी, इसके लिए आपको ये सेव करना पड़ेगा। ये जो मैंने कोड लिखा इसके लिए हमको पहले यहाँ सेव करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। तो सेव के लिए तो आप Ctrl+S कर दे, आप यहाँ कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैं पाइथन आई प्रैक्टिस पर करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस 0.10, यहाँ मैं सेव किया। नाउ आई कैन रन। जैसे क्या था कोड, 4 प्लस
जैसे देखिए यहाँ आपको कोड यहाँ दिख रहा है 4+9 4+5, तो यहाँ आपको आउटपुट दिख रहा है 9। ये यूज़ करने में थोड़ा सा है, आपको सेव करना पड़ेगा सारा कोड को। अगर ये इंटरनेट नहीं है तो ये इजी तरीका है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटरनेट के लिए। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप कोई भी वेबसाइट, जैसे मैं यहाँ न्यू टैब खोल लेता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। जैसे मैं ऑनलाइन कंपाइलर, यहाँ बहुत सारा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे पहला ही वेबसाइट यूज़ करता प्रोग्राम, जैसे मैं ऑन किया, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब वही कोड जो मैंने यहाँ लिखा था, वही कोड मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। A+V नाउ प्रिंट C। और यहाँ देखिए यहाँ आपको रन करना है, देखिए आउटपुट। आपको सेव वेव करने का यहाँ झंझट नहीं है, ये इजी है यूज़ करने के लिए। तो गाइस आप लोग, तो ये स्टेप है, जैसे आप कोई भी स्टेप मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसे तो मैं ऑनलाइन लाइव आप लोगों को दिखा दिया हूँ, तो आप जा सकते हैं, गो टू एनी वेब ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम। जैसे मैंने गूगल क्रोम पर गया, चलिए स्टेप के बारे हम लोग चलते हैं। चलिए मैं गूगल क्रोम पर गया, कोई भी वेब ब्राउज़र पर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है टाइप इन सर्च बॉक्स पाइथन, नाउ आई विल राइट पाइथन। जैसे मैं पाइथन लिखा, डाउन, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, गो टू फर्स्ट वेबसाइट्स, सॉरी फॉर यहाँ फर्स्ट होगा। तो चलिए मैं पहला वेबसाइट पर गया, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, क्लिक ऑन डाउनलोड, देखिए डाउनलोड है, डाउनलोड पर जाए और यहाँ देखिए डाउनलोड फॉर विंडो, मैं क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड ऑप्शन में चला गया, मैं पॉज कर दिया। तो ये स्टेप्स है जो आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास नेट नहीं हो। इसके लिए यूज़ करने का मेन दिक्कत ये रहता है, क्या ये आपको कोई भी कोड को सेव करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ एक न्यू टैब खोल लिया, मैं यहाँ दूसरा कोड लिख रहा हूँ, A=3, B=, कोई बड़ा नंबर ले लेता हूँ 99, नाउ C=, A+B, प्रिंट नाउ C। तो इसका आंसर कितना होगा, 102 होगा। आंसर होगा 102। तो ये मैं अगर चाहता हूँ तो इसको कमेंट आउट कर सकता हूँ, उस कमेंट आउट में आपको आगे बताऊँगा। नाउ सेव इट। सेव करने के लिए आपको यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप, प्रैक्टिस, जैसे मैं PARA123 लिख दिया, एंटर मार दिया, ये देखिए सेव हो गया। तो मैं अब रन पर जाऊँगा और नाउ रन, 102 आ गया आंसर। अब इस तरह से आप ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए तो बहुत ही ईजी ऑनलाइन के लिए आप, जैसे मैं बता दिया हूँ, यही ऑनलाइन के लिए आप कोई भी ऑनलाइन वेब्स यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, कोई भी वेबसाइट। जैसे मैं इस पर गया, यहाँ मैं कोड लिखा और यहाँ आपको रन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है डिजिटल हंक, टेलीग्राम है डिजिटल हंक क्लब, आप मेल भी कर सकते हैं अपना डाउट digitalhunk@gmail.com। आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेल आपको भी मिल जाएगा, और इस PDF में भी है, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन और ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो आज पहले वीडियो में आपको मैंने बताया कैसे हम लोग पाइथन को ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं कैसे। तो गाइस मैंने आपको बताया क्या ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कैसे यूज़ किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पाइथन को कैसे कोड किया जाएगा, उसके फंक्शंस वगैरह जो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा और असाइनमेंट का वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको हेल्प करेगा आप कहाँ मिस्टेक किए हैं। और जो असाइनमेंट दिया जाएगा आप वो हमारे जीमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।